नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। दिवंगत सिमी अग्निहोत्री की अर्थी को बेटी ने दिया कंधा, अंतिम यात्रा में सीएम सुक्खू भी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की दिवंगत पत्नी सिमी अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार आज गोंदपुर जयचंद हरोली में किया गया। वहीं सिमी अग्निहोत्री का हृदय गति रुकने से पिछले कल रात को आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम की बेटी आस्था ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया। शमशान घाट में हिंदू धर्म के अनुसार तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बेटी आस्था और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सोलंग नाला में हिमाचल के 300 से अधिक खिलाड़ी जुटेंगे, 12 होंगी स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सोलंग नाला में राज्य स्तरीय स्कीइंग एवं स्नोबोर्ड प्रतियोगिता 12 से 14 फरवरी तक सोलंग नाला की ढलान में होगी। इसमें हिमाचल के 300 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। हिमाचल विंटर गेम्स एसोसिएशन के तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता का मनाली विधायक भुवनेश्वर गोड शुभारंभ करेंगे। वहीं विंटर गेम्स एसोसिएशन ने प्रतियोगिता की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मनाली में एसोसिएशन की अहम बैठक हुई, बैठक में आयोजन की रूपरेखा तैयार। कड़ाके की ठंड में रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे JOA IT अभ्यर्थी। JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT भर्ती का परीक्षा परिणाम निकालने की मांग को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने पिछले कल रात सचिवालय के बाहर काटी। कड़ाके की ठंड के बीच बिना किसी छत के कई युवा छोटा शिमला बस स्टॉप पर बैठे रहे। पिछले कल कैबिनेट बैठक में परीक्षा परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। वहीं कैबिनेट सब कमेटी के गठन को अभ्यर्थियों ने नाकाफी करार देते हुए हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सशर्त नियुक्तियां देने की मांग रखी। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें कैबिनेट सब कमेटी का गठन नामंजूर है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो बार बार शिमला आकर अपनी मांग सरकार को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से जल्द परिणाम घोषित करने की बात कही गई, लेकिन इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले BJP ने गठित की अनुशासन समिति, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग अध्यक्ष नियुक्त। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने हिमाचल में लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही बागियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया है। यह कमेटी पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में गठित की गई है तथा इसमें पूर्व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा नितिन कुमार को सदस्य बनाया गया है। यह समिति प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा जनजातीय क्षेत्र पांगी में जुकारू उत्सव का हुआ आगाज। घाटी में 12 दिन होगी राजा बलि की पूजा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। हिमाचल एक पहाड़ी और प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल रहा है। यहाँ पर त्यौहार और मेलों को स्थानीय लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं ज़िला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में 12 दिवसीय जुकारू उत्सव का आगाज़ आज से हो गया। अब पांगी घाटी में 12 दिन तक जुकारू उत्सव की धूम रहेगी। वहीं उत्सव को आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। आगामी शुक्रवार मध्य रात्रि को घाटी के लोग अपने घरों की दीवारों पर बलि राजा का चित्रण उकेरेंगे, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं पड़ीद के पहले दिन सिलह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंगवाल समुदाय अपने घरों में लिपाई पुताई करते हैं। बजट सत्र में रहेगा पुलिस का पहरा, सत्र के लिए तैनात होंगे 500 जवान।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिमला में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शिमला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सहित ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 14 से 29 फरवरी तक विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिकारियों सहित करीब 500 पुलिस जवान कीकर नवगांव पेयजल योजना के विरोध में महापंचायत सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। बिलासपुर सोलन सीमा पर त्रिवेणी घाट पर अली खड्ड में बन रही कीकर नवगांव पेयजल योजना का विरोध तेज हो गया है। आज संघर्ष समिति की ओर से बुलाई गई महापंचायत में सैकड़ों ग्रामीण और दर्जनों पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। मौके पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने QRT सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। उधर पेयजल योजना का निर्माण करने के लिए आज ठेकेदार और कामगार नहीं आए। महापंचायत में ग्रामीण और किसानों को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पंचायत प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इसके बाद समिति के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन की आगामी रणनीति बनाएंगे। राजीव बिंदल ने घेरी कांग्रेस, बोले UPA सरकार की मिसमैनेजमेंट से गिरी देश प्रदेश की आर्थिक स्थिति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस को घेरते हुए लोकसभा में लाए गए श्वेत पत्र को पूर्व की UPA सरकार की कार्यशैली का नमूना बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में देश की प्रगति ठीक चल रही थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, परंतु UPA सरकार में जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके कारण देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली गई, महंगाई दर बढ़ती चली गई और उत्पादकता की दर घटती चली गई। वहीं शिमला से जारी बयान में राजीव बिंदल ने कहा कि UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के 15 बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें प्रमुख रूप से 2G, 3G, वेस्टलैंड घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला आदि शामिल हैं, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और देश की छवि भी लगातार गिरी। लेकिन वर्ष 2014 के बाद उस स्थिति को संभालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि महंगाई दर की तुलना करें तो कांग्रेस शासन में 2004 से 2014 में महंगाई दर 8.2% थी और जो लगातार प्रयास के बाद पिछले 10 सालों में महंगाई दर 5% के ऊपर लाकर खड़ी की है। 5.5 साल के बच्चे को पहली में एडमिशन पहले लिए गए कैबिनेट के फैसले में हुआ बदलाव। हिमाचल में अब नए शिक्षा सत्र से 5.5 साल की उम्र के बच्चे भी पहली कक्षा में एडमिट किए जा सकेंगे। इस बारे में पिछली कैबिनेट में लिए गए फैसले में हल्का संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग की चर्चा कंप्लीट हो गई है और सोमवार को नए निर्देश जारी हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आयु सीमा में यह छूट सिर्फ एक सत्र के लिए इसी साल मिलेगी। बढ़ेगी सरकार की कमाई, अब 50 नहीं 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलेगी जमीन की लीज। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लीज रूल्स को अमेंड किया है। अब फॉरेस्ट ट्रांसफर से मिलने वाली सरकारी जमीन का लीज रेट 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल यह दर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई थी, लेकिन इतनी वृद्धि के बाद की अवधि में एक भी मामला लीज का क्लियर नहीं हुआ। तो ये है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।